हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डेम्स वर्ल्ड। जैसा कि आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज की मेरी रेसिपी है बाजरे की रोटी, जिसे कि हम गुड़ के साथ खाएंगे या फिर आपके किसी पसंदीदा सब्जी के साथ आप इसे खा सकते हैं। खासतौर से सर्दियों में बाजरे की रोटी बनाई जाती है। तो चलिए हम बताते हैं इसे किस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाजरे का आटा ले लिया है, इसे हमने छान लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको नीट कर लेते हैं, गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंथ लेंगे मसल मसल के। तो देखो इस तरीके से हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इनको फैला फैला के इसको गूंदना होता है। इसी तरीके से इसके अंदर तक पानी जाना चाहिए, नहीं तो जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी फटने लग जाती है। तो देखिए हमने इसे गूंद लिया है। इस आटे को हम गूंद के नॉर्मल जो गेहूं का आटा उस तरीके से हम रख नहीं सकते, इसको हाथों हाथ इसकी रोटियां बननी होती है, इसको गेहूं के आटे की तरह रखा नहीं जाता है। तो चलिए अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पेड़ा लिया, देखिए अब इसे हम सूखे आटे में लगाएंगे और थोड़ा सा आटा हम अपने चकले पे डालेंगे और फिर इसे धीरे धीरे अपने हथेली की मदद से इस तरीके से धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे। देखिए आप इतनी रोटी बनके रेडी है। तो देखिए हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया, हमारा तवा गर्म भी हो गया है। आप ये देखिए रोटी को हमने इस तरीके से हाथ में लेके मैं इसे पलट दिया है। तो देखिए ये इस तरीके से इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब ये सिकना शुरू हो गया है दूसरी साइड से। हम इसे हटा के डायरेक्ट आंच पे ही सेकेंगे। अब देख सकते हैं ये भी फूल रहा है। ये पूरा अच्छी तरह से सिक जाना चाहिए। ये देखिए ये पूरा सिक गया है। अब हम दूसरा बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम बाकी के आटे के भी पूरे, इन्हें राजस्थानी में सोगरा बोलते हैं और नॉर्मली बाजरे की रोटी बोलते हैं, इस तरीके से हमने आटे में लगाया और चकले पे थोड़ा सा आटा डाला और उस पेड़े को इस तरह से जल्दी से हथेली की हेल्प से इस तरीके से गोल घुमा के गोल रोटी तैयार कर दी। आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही नीचे चिपका है। ये नीचे यूँ इसलिए नहीं चिपका है क्योंकि जब हमने इसे नीड किया था, इसे गूंदा था, इसमें बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा पानी डाला ताकि ये चिपके नहीं। और सूखे आटे की हेल्प से आप इस तरीके से इसको गोल कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे वापस तवे पे डाला है, तब तक दूसरा बाजरे की रोटी रेडी हो रही है। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसमें रोटी डाली थी अभी इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया और ये थोड़ा थोड़ा उठने लग गया है। तो अब आप इसको पलट सकते हैं। पलट के हम दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तवे पे ही सेकना है, उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट आंच पे सेकेंगे। और इस रोटी को सेकते समय हमें गैस फुल रखना है, इसको धीमी आंच पे नहीं सेका जाता है, इसको फुल करके ही सेका जाता है। तो देखिए इस पे इस तरीके से स्पॉट्स आते हैं, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे से करके सेकेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है हम डायरेक्ट आंच पे ही सेक लेते हैं। अब आंच पे दोनों तरफ
तरफ से इसे अच्छी तरीके से सेक लें। तो इसी तरीके से हम बाकी आटे से सारी रोटियां तैयार कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है, तो देखिए ये बाजरी का आटा है, यहाँ पे हमने गुनगुना पानी लिया है, ये अभी मेरी मम्मी बना रही है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, इसको इस तरीके से मथना होता है। थोड़ा थोड़ा इसको गीला करते रहिए। इस आटे को एक साथ नहीं गूंदा जाता है, जैसे जैसे रोटी बनती है जितना जितना बनाते हैं उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसके अंदर तक पानी चला जाता है, उसके बाद ही ये रोटी बन पाती है। तो मम्मी ने अलग से एक पेड़ा बना लिया है इसका, अभी हाथ की हेल्प से ही पूरी रोटी बना देंगे। देखिए इस तरीके से बनेगी। ये रोटी मम्मी पूरे हाथ में ही बना देंगे, पता नहीं कैसे बनाती हैं। पर इसकी भी एक टेक्निक होती है, आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे प्रेस करके बनाना होता है। आप उधर रोटी देख सकते हैं, हाथों हाथों में ये रोटी पूरी हो गई है। अब इसको सेकने जो नॉर्मल तवा होता है उसको, अब देखिए एक करीबन एक मिनट तक इसको इस तरीके से रखा है, अब इसको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से ये हाई फ्लेम में हम इसको सेक रहे हैं, तवे पे ही सेक रहे हैं इसको हम। अभी बीच बीच में आप इसको चेक करते रहे थोड़ा सा। अब हमने इसको पलट दिया है दूसरी साइड से, इसको पलट दे, फिर से पलट दिया। इसको हम करीबन रात में हम पलट रहे हैं, फिर से एक नई रोटी। अब ये जो रोटी है हम इसको डायरेक्ट सेकेंगे, देखिए आप ये रोटी भी थोड़ी बहुत फूल रही है जितना फूल सकती है। एक साइड से ये पूरी सेक गई है, दूसरी साइड से हम सेक लेते हैं। तो देखिए ये रोटी बनके रेडी हो गई है। तो देखिए इसी तरीके से हमने बाकी रोटियां भी रेडी कर ली है। देखिए बाजरे की रोटी को हम इस तरीके से प्लेट में डाल के इसमें हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। सर्दियों में मोस्टली बाजरे की रोटी खाई जाती है मूली की सब्जी के साथ या और बाकी सब्जियों के साथ में,
तो हमने अब इस पे घी लगा लिया है। अब इस पे हमने थोड़ा सा गुड़ रख दिया है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल लें। और आप इसे गर्मा गर्म खाएं। ये सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा खाना है। जैसा कि आपको पता है, सर्दियों में गुड़ खाया जाता है और बाजरे की रोटी खाई जाती है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा खाना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।